हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ रॉयल स्टडी पॉइंट। तो जो लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है वो ये है कि जो सीबीएसई है वो क्लास ट्वेल्थ के मार्क्स प्रीवियस तीन साल के रिजल्ट के बेसिस पे दे सकता है। तो क्या है ये पूरी न्यूज़, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो आप ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं दैट सीबीएसई मे गिव क्लास ट्वेल्थ मार्क्स बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ पास्ट थ्री ईयर्स, यानी कि जो आपके क्लास नाइन्थ, टेंथ और इलेवंथ का रिजल्ट है उसके बिहाफ पे ट्वेल्थ क्लास का रिजल्ट बन सकता है। तो ऐसा क्यों है, तो इसको हम जानते हैं। देखिए, ऐसा बेसिकली दो रीज़न है इसके पीछे। पहला रीज़न ये है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे अप्लाई किया था फॉर द कैंसलेशन ऑफ एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम कैंसलेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई किया गया था। और सेकंड चीज़ ये थी कि जो बहुत सारे स्टेट है वो अभी भी एग्ज़ाम लेने के फेवर में नहीं है और वो डिमांड कर रहे हैं कि सबसे पहले सभी स्टूडेंट का और टीचर का वैक्सीनेशन हो, उसके बाद ही यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाए। तो जो ये वैक्सीनेशन की प्रोसेस है ये बहुत लंबी हो सकती है, इसलिए जो सीबीएसई है वो यहाँ पे हो सकता है कि जो प्रीवियस तीन साल का रिजल्ट है उसी के बेसिस पे क्लास ट्वेल्थ का रिजल्ट यहाँ पे आपका बना सकता है। और सेकंड बड़ी न्यूज़ आ रही थी वो ये है कि जो सीआईएससी है उसने अपने सभी आईसीएससी और आईएससी स्कूलों को कहा था कि जो अपने स्टूडेंट हैं उनके जो प्रीवियस ईयर के मार्क्स है उसको ऑफिशियल साइट पे अपलोड करें। हालांकि ये जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया में कुछ मिनट बाद उनने डिलीट भी कर दी थी, तो ऐसा क्यों है वो बात तो हमको अभी तक समझ में नहीं आया। लेकिन हो सकता है कि जो एग्ज़ाम है वो प्रीवियस तीन साल के जो रिज़ल्ट है उसके बेसिस पे ही आपके ट्वेल्थ क्लास का रिज़ल्ट बन सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।